शहर में जिस तेजी से कोरोना वायरस के मरीज बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से संक्रमण को मात देकर घर लौटने वालों की संख्या बढ़ रही है। अभी तक 62% मरीज ऐसे हैं जो कि कोरोना को पछाड़कर पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। शहर में जिस तेजी से कोरोना वायरस के मरीज बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से संक्रमण को मात देकर घर लौटने वालों की संख्या बढ़ रही है। अभी तक 62% मरीज ऐसे हैं जो कोरोना को पछाड़कर पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। इन मरीजों के ठीक होने की दर फिलहाल प्रदेश में सबसे अधिक है। इंदौर देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है जहाँ सबसे ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों में डेथ रेट भी बढ़ी है। कल रात MGA मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 35 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कल 1135 सैंपल टेस्ट किए गए थे जिसमें नेगेटिव मरीजों की संख्या 1048 थी। शहर में अभी तक कुल 42,827 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं जिनमें से 3722 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अभी तक 153 लोगों की जाने जा चुकी है। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उपचार से स्वस्थ होने पर कल रात 81 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं अब तक इंदौर जिले में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वस्थ होने पर 2324 लोगों को विभिन्न हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई है। जिले में अब तक 1245 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उपचार चल रहा है जबकि विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों से 3985 लोगों को छुट्टी दे दी गई है जिसके बाद रिकवरी रेट 62% हो गया है। वहीं डेथ रेट 4011% हो गया है। इंदौर जिले ने कल की में 1606 सैंपल्स लिए थे जिसमें से 1135 की हमने सैंपल की जांच करवाई है। इसमें 1048 नेगेटिव सैंपल्स रहे हैं और 35 पेशेंट पॉजिटिव रहे हैं। ये करीब 3% के लगभग बनता है। इसी तरह से टोटल अभी तक हम है ना 42,827 सैंपल ले चुके हैं जिसमें पॉजिटिव हमारे 3,722 रहे हैं और डेथ्स हमारे पास 153 हुई हैं जो 4.1 है। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ से जितने पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज किए जा रहे हैं या भर्ती किए जा रहे हैं वो डिस्चार्ज भी स्वस्थ होकर के घर जा रहे हैं। ये हमारा परसेंटेज करीब 62% है जो प्रदेश में काफ़ी अच्छा परसेंटेज है और टोटल संख्या हमारी डिस्चार्ज होकर के 2324 पेशेंट्स जा चुके हैं। ऐसे ही फीवर क्लिनिक पर डेली के हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं। फीवर क्लिनिक पर सभी जोन पर IC एक्टिविटीज़ भी की गई है। बैनर्स होल्डिंग्स लगाए गए हैं कि यहाँ पर अपनी जाँच कराएँ। कल का हमारा अपडेट ये है कि 13,717 केसेस फीवर क्लिनिक पर अभी तक आ चुके हैं। उसमें 35 पेशेंट्स जो है ना हमारे सारी के पेशेंट्स निकले हैं और 357 पेशेंट्स हमारे ILI के पेशेंट्स निकले हैं जिसमें होम क्वारंटाइन किया गया है। उनको सलाह दी गई है होम आइसोलेशन के लिए। वहाँ पर 138 पेशेंट्स जो है ना हमारे होम आइसोलेशन में हैं। उसमें से 2 पेशेंट्स को हमने हॉस्पिटल भी भेजा है। निश्चित रूप से थोड़ा सा डेथ का एकाध केसेस बढ़ा है लेकिन ऐसा ज़्यादा इतनी ज़्यादा उसमें रिमार्केबल नहीं है कि जिस इनके साथ कोमोर्बिड पेशेंट भी थे जिनके साथ में डायबिटीज़ है, किडनी वाले पेशेंट्स भी थे, ओल्ड एज है, 78-74 ईयर्स के पेशेंट्स भी थे, ये अदर फैक्टर्स भी थे जिसकी वजह से ये हमारी डेथ हुई है। सर अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो कितना परसेंट तक पहुंच गए क्योंकि हम 2.5% पर आ गए थे, अब कहां पहुंच गए? पहले हम 2.7% 2.5% थे, अभी हमारे आज की तारीख में कल के उसमें 4.1% है। ये थोड़ा सा हमारा परसेंटेज बढ़ा है। इसमें पहले हम काफ़ी नीचे तक आ गए थे और ये वैक्सीन पेनिंग थोड़ा होता रहेगा। जैसे जैसे पेशेंट्स के साथ में दूसरी डिसीजेज जुड़ी हुई हैं उनके साथ में डेथ के उतनी रिस्क भी बड़ी रहती है। जो हमारे पास राज्य शासन से भी इस तरह से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हमारे पास आए हैं उनकी लाइन लिस्टिंग करें और उनके टीवी
कि हम जांच करवाएं, उसमें से ऐसे कुछ पेशेंट्स टीबी के रिलेटेड हैं जिनके पास ऑलरेडी संक्रमण की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, तो हम उसके लिए आज ही हमने DTO से बात की है और वो एक लाइन लिस्टिंग बना करके हम उनका भी सर्वे कराएंगे, जिससे कि ऐसा तो नहीं उसमें से कुछ पेशेंट्स हमारे टीबी के भी निकलेंगे। हो सकता है उसमें, हो सकता है उसमें कुछ पेशेंट्स निकले, क्योंकि सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं तो इनमें हो सकता है उस पेशेंट इस तरह के निकले।